वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? क्या हो रहा है जिंदगी में? तालीम हासिल करनी है, फ्री की ट्यूशन देनी है तो मैं आप लोगों को दिलवा सकती हूँ। खामोशी इख्तियार करें, पीछे वाली आवाज पे फोकस करें तो वहाँ पे ट्यूशन चल रही है। किस एंगल में ज्यादा क्लियर आ रहा है? हियर आई एम। सो ये है कि नाश्ते की वीडियो तो बना दी, अब मेरी अपॉइंटमेंट है डेंटिस्ट के पास। दो काम है, एक तो क्लीनिंग है, दूसरा इन्वेज़ालाइन ट्रीटमेंट है। तो अभी मैंने जाना है। मैंने कहा कि अब समझ नहीं आ रही मियाँ के पैसे कहाँ लगाऊं, तो मैंने कहा डेंटल ट्रीटमेंट पे लगा दूं, क्योंकि कुछ ना कुछ तो करना है। बाकी मैं आप लोगों को कपड़े की डिटेल अभी दिखाती हूँ। ब्राइट नहीं आता यार, लाइट नहीं है, लाइट है, रिंग लाइट लिए, इतनी बेकार है यार कि बंदा की करे। आप नहीं आते बेटा, उन्होंने कहा है कि बदसूरत लोगों को नहीं लाना, सिर्फ हसीन लोगों को लाना है, तो सिर्फ मैं आ सकती हूँ। और इस फैमिली में सिर्फ हसीन बंदा एक ही वो करता है, वो मेरा मियां बेचारा। बिलाल क्या खा रहे हो? अच्छा बिलाल आप क्या खा रहे हैं? आपकी सुगर बेगम ने आपके लिए क्या खाने में बनाया है? अब प्रॉब्लम ये थी कि आज मेरी डेंटल अपॉइंटमेंट नहीं थी, ये इट वाज ऑन 7th of June जो कि बिलाल ने प्रीपोन करा के आज करा दी। अब आप खुद बताएं, जिस दिन डेंटल अपॉइंटमेंट हुई आप लहसुन अदरक प्याज की स्मेल लेके जाएंगे? तो सीधी सी बात है, मुझे कल बताया, मैंने कहा आई कैन नॉट कुक ऑन द डे, आई हैव टू गो, सॉरी मैम सॉरी। और मैं रात को ऑलरेडी बाथ लेके सोई थी, तो मैं सुबह सुबह उठ के दोबारा अपने बालों को खराब नहीं कर सकती थी। तो ये तो बेटा बर्दाश्त करना पड़ेगा इस तरह के जुल्म। अब खा पिज्जा साई। तुमने क्या चाहिए? बहाना कुछ ना करने का, मुझे कुछ करके भी करा लो तो फिर होगा। चलो मेरा ड्रेस दिखाती हूँ। So this is my dress, as you can see. And here is my dress. ये भी dress उसी वो ये उसी तरह का है जैसे वो जब सिंड्रेला मासी मोड में नहीं होती थी, जब बेचारी सफाई करती थी, क्योंकि जब प्रिंसेस हो गई थी तो तब तो वो अच्छे ज्यादा पहनती थी ना, तो like ये वाले तो वो मासी। अलबत्ता ये मैंने ना शीन से मंगवाया था, ये अभी का नहीं है, ये लास्ट ईयर मैंने मार्च में मंगाया था। बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि क्या शीन की शॉपिंग करनी चाहिए, कैसी है क्वालिटी, तो उसके बारे में मैं छोटा सा बता दूं। जी सलमा, एंड बाय द वे, इवन दैट यू डिडंट सी वी बोथ सिंड्रेलास, या सिंड्रेला दी मां बहन, मैं सोतेली मां हूं और तू सोतेली बहन है सिंड्रेला की। बैठ जा सिंड्रेला, हमारे घर में एक ही है, ये है सिंड्रेला साड़ी। मिस सिंड्रेला हूं। नहीं नहीं, वो है पीछे आपके सिंड्रेला खड़ी, हम सोतेले हैं, बाकी सारे सिंड्रेला के कपड़े असल में यही इसी के लग रहे हैं। हाँ पापा, या आई मीन पापा। हाँ तो मैं आप लोगों को बता रही थी, आई मे जस्ट कीप गोइंग। हाँ सो आई वाज टेलिंग यू अबाउट शीन। मैंने ना एक दफा सब इतना ज्यादा सुना था, तो जो भी लोग पूछते हैं कि हम शॉपिंग करें ना करें, एक दफा दिल में आग है ना, आग अंदर लगी हुई है ना, और उसको करना है, बुझाना है, तो बुझाओ जरूर, एक दफा मंगा लें, और उससे पेट भर जाए तो दोबारा ना मंगाए। मैंने एक दफा मंगाया और मैंने तकरीबन $400-500 की शॉपिंग की, कोई मेरे कितने 34-35 आइटम्स थे, और उसके बाद मैंने तौबा कर ली। ठीक है, तो तौबा करने के लिए पहले गुनाह करना जरूरी है तो वो गुनाह कर लें, लोगों की बातों पे ना जाए, फिर लोग जो तारीफ करते हैं ना, फिर कोई कहता है हाँ यार, तो एक दफा दिल करके मंगा लें। ये तो ठीक आ गया था, लेकिन बहुत सारी चीजों की ना, कपड़े का फैब्रिक जो है ना ब्रीदेबल नहीं है, अजीब सा पॉलिएस्टर टाइप का है, शर्ट्स मंगाओ तो शर्ट्स में कपड़ा कम है, इस तरह की कुछ थी, मतलब अजीब सी फिटिंग अच्छी लग रही थी एक दफा पहनने के लिए, लेकिन यहाँ पे कैनेडा में जैसे ड्रेसेस महंगे मिलते हैं, अब इस तरह का ड्रेसेस मिलेंगे वहां पे 40-35, यहाँ पे ड्रेसेस रॉस टीजे मैक्स में आपको 15 से शुरू होकर 20 तक मिल जाते हैं, 25 तक भी मिल जाते हैं, उससे ज़्यादा तो मैं लेती भी नहीं हूँ, और सेल्स में भी आपको बहुत अच्छे मिल जाते हैं ब्रांडेड, मतलब बनाना में चले जाएं। एक तो चूड़े नाल शादी करना था, ये भी नुकसान है, हर किसी में कन्वर्जन नहीं लगाना बिलाल, हम अब हम कन्वर्जन से ऊपर जा चुके हैं। अच्छा कैनेडा में $50 का ड्रेस है तो यहाँ अमेरिका में कितने का हुआ?
I buy $15 dresses from Ross. तो अभी भी I am cheaper ना? And I am richer. तुम मुझे $15 का लाके दिखा दी। यार बिलाल मैंने $15 के लिए हुए हैं। वो जो मैंने Ima के उसपे पहना था, that was for $14.99. तो $15 का था ना? हाँ तो ये मैं हूँ। तो कल ना मेरी बहन ने ना अफरोज ने ना अभी शीन से ड्रेसेस मंगाए इस तरह के ना, तो वो भी यही लग रही थी, तो अफरोज ने मुझे दिखाया, उसकी भी ऐसी हालत लग रही थी कि वो सिंड्रेला मासी मोड में ना, तो मैंने कहा अफरोज हम क्लीनिंग कंपनी खोल सकते हैं दोनों मिलके ना बहने, अब हम दोनों सिंड्रेला पोचे हो क्लीनिंग कंपनी हो, तो फिर चलो मेरी अपॉइंटमेंट शुरू होने वाली है, आई हैव टू गो, मेरी आज डेंटिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट है इनविजिलाइन की और क्लीनिंग की, पैसे मैंने जाया करने हैं, दैट साउंड्स वियर्ड, चले बाय। सो मैं जा रही थी तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी साथ साथ सीरियस बात भी बताती चलूँ ना, क्योंकि मजाक मजाक में काम की बातें करना भी ज़रूरी है। सो हम डेंटल की बात करते हैं, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में, कनाडा एंड अमेरिका में आपकी डेंटल ट्रीटमेंट जो होती है ना वो किसी में भी नहीं आती, कुछ लेवल तक इंश्योरेंस है तो वो इंश्योरेंस कवर करती है, नॉर्मली जो लोग परमानेंट जॉब्स में होते हैं ना तो उनकी इंश्योरेंस, और इंश्योरेंस में भी कुछ चीज़ें कवर होती हैं कुछ चीज़ें कवर नहीं होती, लाइक जो अभी इनविजिलाइन है वो 100% कवर नहीं है क्योंकि इट इज़ लाइक मोर टूवर्ड्स कॉस्मेटिक, तो इट इज़ नॉट फुली कवर्ड, क्लीनिंग कवर होती है, कोई आपकी कैविटी फिलिंग हो और ये इस तरह की चीज़ें हों तो दे आर कवर्ड, बट दिस ट्रीटमेंट 100% कवर्ड नहीं है। मैं आप लोगों को बता देती हूँ, हर किसी की इंश्योरेंस डिफरेंट होती है, बट हम लोगों को इस मेरी ट्रीटमेंट के लिए इनविजिलाइन के लिए वी हैव टू पे लाइक अराउंड $1,000, सो लेकिन अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, थिंग आ रही है, फिर मेरा जब साइड से हंसती है ना तो इस तरफ गैप आता है, वो पहले का ही है बट मैंने चेक किया तो मैंने कहा फिर सारी चीज़ें इसी में कवर हो जाएंगी तो वाई नॉट। मैंने वैसे इनके पास दिसंबर में गई थी, लेकिन दिसंबर में हमारी कंपनी का ये था कि ये लोग इंश्योरेंस चेंज कर रहे थे फ्रॉम वन कंपनी टू अनदर, सो फिर आई हैड टू वेट। भाई अपना सेहत का करो, धंधा नूल सही रखो, दंद सही लगने चाहिए ने, दंद नहीं सही लगेंगे तो लोग की करेंगे कि किसके दांतों का क्या हुआ है, खूबसूरती आपकी दांतों से बनती है तो अपने दांतों को खूबसूरत बनाए, कोलगेट लगाए, गाड़ियां आ रही है हार्ट टू हार्ट। और तुम लोग बताओ, बातें करते चले जाओ, अब जब तक ये चली तो चली, नहीं चली तो अल्लाह खैर सल्लाह, चल मेरा वीर। मेरे बच्चे पीछे सीटों का क्या हाल कर देते हैं, एक तो इनकी साइकिलें पूरी नहीं हो पा रही, रोज नई साइकिल लेके आते हैं, घर में 5 साइकिल्स खड़ी हुई हैं, रोज नई लेके आते हैं, दूसरे दिन कहते हैं ये तो हमारे सही नहीं है, इसकी तो क्वालिटी ठीक नहीं है, इसका तो ये ठीक नहीं है, वो मेरी गाड़ी वैन बनाई हुई है पागलों ने, सारी सीटें लिटाई हुई है, हम बस इसी कश्मकश में। लेकिन आजकल मैंने ये देखा है स्पेशली ना यहाँ पे, हम लोग कहते तो है ना कि 18 साल के बाद ये इंडिपेंडेंट कर देते हैं बच्चों को और ये, और मतलब ये लोग अजीब कैसे लोग हैं 18 साल घर से निकाल देते हैं, बट ये फैक्ट है, हम लोग हमेशा दूसरों में नेगेटिविटी, हमारा प्रॉब्लम ये है, वी देसी पीपल ऑलवेज ट्राइज टू फाइंड नेगेटिविटी इन अदर कम्युनिटीज, हम पॉजिटिविटी नहीं देखते, बट मैंने ये देखा है कि बचपन से लेके 18 इयर्स तक ये जो इतना अपनी औलादों का करते हैं ना, अब आप कहेंगे कहाँ करते हैं, सीधी सी बात है हर सर्कल में, आई एम टॉकिंग अबाउट द क्लास आई एम लिविंग इन, मतलब जो मेरे नेबर्स हैं, जो मेरे आगे पीछे जानने वाले हैं, मैं उनकी बात करूंगी, जंकियों की बात नहीं करूंगी, मैं जंकी एरिया में तो मेरी जान नहीं रहती ना, तो ऑफकोर्स मैं उन बातों में बात, जहां पे पेरेंट्स बहुत कॉन्शियस हैं अपने बच्चों के बारे में, उनकी हेल्थ के बारे में, उनकी लाइफस्टाइल के बारे में, उनके एजुकेशन के बारे में, सो आई लिव इन दैट सर्कल ना, तो आप हमेशा ये सोचा करें, अब ये कहेंगे वहां
मतलब मैं वैसे बता रही हूँ, ये लोग बहुत ज्यादा करते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ही करते हैं, हम मुझे लगता है ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करते हैं ये तो। मतलब अब बिलाल के कुलीग्स हैं वो सारा टाइम बाहर होते हैं बच्चों को एंटरटेन करने के चक्कर में, कि बच्चों को खुश रखें, बच्चों को यहाँ ले जाएं, बच्चों को। अब हमारी समर ब्रेक शुरू हुई है ना, हम घर बैठे हुए हैं और उनकी रोज की तस्वीरें जो है ना बाहर की आती हैं, और हम क्या कर रहे हैं, हम यही एक प्लान कर दिया। अब देखो कब वो प्लान जो पूरा होगा, बस उसी के पीछे बैठे हुए हैं। ये तो बहुत करते हैं, बहुत ज्यादा करते हैं। गेम्स पे ले जाना, हम भी ले जाते हैं, ऐसी बातें हैं, बट हमेशा अच्छी चीजें लोगों से सीखनी चाहिए। बाहर रहने का सबसे बड़ा फायदा यह है, अगर आप में ना आप में अच्छी चीजें एब्जॉर्ब करने की कुवत है, क्योंकि यही फायदा है ना, जब आप डिफरेंट कम्युनिटीज में रहते हैं, क्यों रहते हैं हम लोग, क्या उसका फायदा क्या है? उसका फायदा मेरी जान ये है कि अपने अंदर देखो, अपनी, ऐसा नहीं है कि अपने आप के साथ जो गलत गलत चीजें तुम्हारे में है तो उनको निकालें, अच्छी चीजों के साथ रहें, अपने बच्चों के लिए नेक्स्ट जनरेशन में अपने कल्चर में जो जो आपको चीज़ें लगती हैं, जो कि हमारे कल्चर में बहुत ज़्यादा है। एंड ऑलवेज थिंक, मैं हमेशा ज़िंदगी में सोचती हूँ वो सोसाइटी, वो कल्चर जिसमें कमज़ोर को कमज़ोर दिखाया जाए और उसको अप्रिशिएट ना किया जाए, किसी किस्म की वीकनेस, फिजिकल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, रिलेशनशिप, अगर उसको नॉर्मल तरीके से या अच्छे तरीके से नहीं लिया जा रहा ना, इट मींस वो सोसाइटी, वो इवन वो सेलिब्रेशंस जिसमें वीक को अलग किया जाए, जैसे शादी है किसी की तो कोई विडो खातून है या कोई बेवा है तो कहते तुम मत आओ, करीब मत आओ, उन चीजों को ना, ऐसे ऐसी चीजों के ना मैं बहुत अगेंस्ट हूँ। अब यहाँ पे ये देख ले, हम गाड़ियां चलाते हैं, ये बेसिक सोसाइटी का बता रही हूँ। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो राइट है ना वो पेडेस्ट्रियन के हैं, सबसे ज्यादा जो वो कंट्रीज जहां वीक और मतलब उसको अगर स्ट्रांग बनाया जाता है ना, तो दीज आर द थिंग्स वी शुड अप्रिशिएट और अपने आप में लानी चाहिए ये चीजें। लेकिन नहीं, हम लोग तो इसी सुपरस्टिशियस में रहेंगे। कुछ सेलिब्रेशंस हैं जिसमें बेवा की कोई सेलिब्रेशन नहीं है, बांझ औरत है तो वो बच्चे की कोई रस्म होगी तो बांझ औरत नहीं आएगी, लख दिल ललत ऐसी रस्मों पे भाड़ में जाए, ऐसे कल्चर और ऐसे जो भी है, मैं कहना नहीं चाहती बट सॉरी टू से बट दिस इज नॉट, वी ऑल आर इक्वल रिगार्डलेस ऑफ कलर एनीथिंग। ऐसी चीजों को अप्रिशिएट क्या करें जिसमें डिफरेंस खत्म हो। ऑल्दो ये सब में है, गोरों में भी होगा, सब में होगा, बुरी चीजें हम सब में है, लेकिन जितना हम कर सकते हैं एज अ ह्यूमन, हम लोगों को कम से कम करनी चाहिए। ਸਾਂਦਾ ਰਾਜਾ ਮੇਰੇ ਬਾਬਲ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਅੰਮੜੀ ਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਕੇ ਵੀਰ ਮੇਰਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਬਾਈ 86 ਫਾਰਨਹਾਈਟ ਚੱਲ ਰਹਾ ਹੈ 2:30 ਪੇ ਮੇਰੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੈ 2:23 ਪੇ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੂੰ ਆਈ ਐਮ ਦੇਅਰ ਮੇਰੇ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਡੈਂਟਿਸਟ My dentist, where are you? I love to dance. Here I am. Parking. Ye gayi meri parking. Ah ha 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 ha. Ye lagai humne parking mein. Mommy ne parking mein lagai. परफेक्ट पार्किंग हो गई। चलो भाई चले मेरे साथ डेट पे डेंटिस्ट के पास। सॉरी यार कुछ गलत बात की। हवा चल रही है। I'm back with my clean teeth. बस मेरे स्कैन होने हैं और उसके बाद वी आर गुड टू गो, और उसके बाद दंदा देख लें। इसके लिए मैं इनवेजलाइन दिस वन, एंड यू सी दिस बेसिक
ऑल्दो काम मेरा ये है, देखो उम्र इतनी हो गई, एक अक्लदार नहीं आई। तुम लोग कहते हो ना तो आप में अक्ल क्यों नहीं है, उसका रीज़न ये है कि मेरी एक भी अक्लदार नहीं आई हुई। मेरे 28 टीथ हैं, अब आप इमेजिन करें, ओरिजिनली है ही नहीं अंदर। तो जिस बंदे में अक्लदार हो ही ना, उसमें अक्ल कहाँ क्या आएगी। इसलिए एक्सपेक्ट मत करें कि मैं अक्ल मनाना बातें करूँगी। टीवी लगा देते हैं सामने। चलो जी कम करिए, स्कैन करिए एंड फिर घर चलिए। ये मेरे पीछे दांतों का स्कैन लगा हुआ है, चोरी करना है अंदर, कुछ मेटल वेटल डलवाना है, कोई बारूद तो डलवा लो ये स्क्रीन में देखा।